भारतीय न्याय सहायता, इस नए कानून में आपको कुल 20 चैप्टर और 358 धाराएं सेक्शन आपको देखने मिलेंगे। और इसके लिए मैं कमर्शियल के इस बुक को पढ़ रहा था और इसका एक रिव्यू भी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको फ्लो चार्ट इस बुक में देखने को मिलता है, जो इस प्रकार का होता है जिसमें आपको ब्रीफ में सभी सेक्शंस के जानकारी मिल जाता है। सेकंड आपको देखने मिलेगा कंपैरेटिव टेबल, इसमें आपको इंडियन पिनल कोड जो पुराना कानून था उसके सेक्शन के साथ साथ नए कानून में भारतीय न्याय सहायता में वो आपको किस सेक्शन में देखने को मिलेगा वो इस टेबल में आपको पता चल जाएगा। जैसे एक फेमस धारा है 420 का धारा कि ये इंसान 420 करता है, बट नए कानून में वो 318 में आपको देखने को मिलेगा। जैसे IPC पुराने कानून में हत्या करने की पनिशमेंट की धारा 302 में था, बट नए कानून में वो 103 में है, जिससे आपको धाराएं खोजने में आसानी होगा। एंड आपको एक और टेबल नेक्स्ट देखने को मिलता है, टेबल ऑफ ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट। इस सेक्शन में आपको ऑफेंसेस के बारे में और उसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। जैसे नए कानून में 61A में रेप के बारे में बताया गया है, इस क्राइम के लिए किसी को 10 साल तक की सजा हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकता है, ऊपर से उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। और ये एक कॉग्निजिबल धारा होता है, मतलब ये एक गंभीर धारा होता है। और नए कानून भारतीय न्याय सहायता में ये एक गंभीर धारा होता है और ये नॉन बेलेबल होता है, जहां आपको जमानत और बेल नहीं मिलता है। बट फिलहाल ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा टाइम है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका बेयर एक्ट मिल जाता है, जहां आपको हर सेक्शन विध्यांत में इन डेप्थ बताया गया है। इस पे और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और ENS पे वीडियो देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, जहां आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।